अब शेयर इंडिया के बारे में सवाल है और ये अंश बब्बर जी का सवाल है। उन्होंने पूछा है कि 50 शेयर हैं 700 के भाव पे, एक साल में क्या हो सकता है इसमें? जी, ये साइकिल कंप्लीट कर रहा है, एक बार क्विक इसका वैल्यूएशन देख लेते ओके। 14, 15, बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए फिलहाल शेयर जी, इंडिया के लेकिन लिए। कुछ समय के अंदर ये 200 नहीं कितना 20 गुना तो हो चुका है ना, तो कुछ दिनों के अंदर मतलब कितना, 2020 के अंत से देखें, दिसंबर 2020 से, तो उस समय 100 रुपये का शेयर अभी हाल में 2000 के ऊपर चला गया, तो इतनी नहीं तेजी नहीं के वो बाद इसमें क्या गुंजाइश आपको दिखती है? नहीं, दिक्कत नहीं है राजीव इससे, बिकॉज ये 6 करोड़ से प्रॉफिट 417 करोड़ पहुंचा है ना, मतलब ट्रेलिंग पे। तो ये जो राइज है इसके अगेंस्ट आपको शेयर इंडिया ने पैसा बनाया है, तो आपका वैल्यूएशन का इशू नहीं है, प्राइस तो ऊपर गया है वो कंप्लीटली एग्री करता हूँ, लेकिन कंपनी ने पैसा बनाया भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सब सिक्लिकल बिजनेस होता है, सिक्लिकल बिजनेस का कब पीक होता है मैं तो समझने में थोड़ा फेल हो जाता हूँ। वो जब हो जाता है तभी पता चलता है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस सिक्लिकलिटी जो है वो जब तक हो ना जाए पीक खत्म पता नहीं चलता है एक्चुअली। इसलिए इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्मली इकोनॉमिक साइकिल 3 से 5 साल का होता है, उससे आप इसको मैच करके पढ़िए लिखिए और ध्यान रखिए पहले वार्निंग सिग्नल का। तो इसमें अभी वार्निंग सिग्नल भी कुछ खास नहीं है इतना गिरने के बाद, हालांकि वो 200 DMA का वॉच तो कीजिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर इतना ही कहता है कि 200 DMA का टेस्ट पेंडिंग है, अब बाकी क्या होगा वो तो इस क्वार्टर का रिजल्ट बताएगा। और जिस तरह से अभी मार्केट रहा है लास्ट क्वार्टर में, बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं करेंगे रिजल्ट का इस क्वार्टर में, लेकिन फिर भी वेट कर लीजिए रिजल्ट का और फिर उसके बाद व्यू लीजिए। वैल्यूएशन उतने खराब नहीं है कि इसको 10% से ज्यादा का डाउनसाइड दिया जा सके एट दिस जंक्शन, बाकी रिजल्ट के बाद। जी, वैसे अंश जी का जो सवाल है उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने 2 बार सवाल लिखा है, और एक बार में लिखा है इन्होंने कि 50 शेयर हैं 700 के भाव पे, दूसरी बार इन्होंने लिखा है कि 30 शेयर हैं 1730 के भाव पे। तो अंश जी थोड़ा साफ कीजिए, क्योंकि दोनों हिसाब से आपके आगे के कामकाज में, आगे की आपकी रणनीति में बड़ा फर्क आ जाएगा कि भाई आप 700 पे लेकर बैठे हुए हैं तो क्या हो सकता है, और अगर 1700 पे लेकर बैठे हैं तो क्या हो सकता है। तो इसको थोड़ा साफ कीजिए, और अभी कहना मुश्किल है दोनों में से क्या स्थिति होगी, क्या उसके चलते इनके तरीके में या रिस्क मैनेजमेंट में कहीं फर्क आएगा? रिस्क मैनेजमेंट का तो ऐसा है 1730 और 700 तो बात तो करनी पड़ेगी फिर एवरेज निकाल के कि क्या एवरेज प्राइस रहेगा, लेकिन अगर सीधा सिर्फ एक ही पोजीशन है 1700 वाला, तो 1700 वाले में फिर यही है कि 200 DMA जब तक टूट नहीं जाता है कुछ बहुत ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं है। अगर वो टूट गया तो फिर आप ले आइए रिव्यू कर लेते हैं, उस समय क्या स्ट्रक्चर रहेगा पता नहीं है, क्योंकि तो अगर वैल्यूएशन से 1550 बहुत के ज़्यादा। नीचे, हाँ तो 1550 के नीचे जाने लगे तब एक बार डिस्कस करेंगे, अगर आपने खरीदा है 1730 पे, और अगर 700 पे खरीदा है तो फिर निश्चिंत होकर के बैठ जाएं क्या? तो फिर मेरे ख्याल से एटलीस्ट 1450 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। जी चलिए, तो ये 2 लेवल हैं, और आपकी असल में जिस भाव पे खरीद है उसके हिसाब से फिर आप अपना एक नजरिया बनाएं और उसके हिसाब से अपना काम करें, लेकिन हमेशा हर बार की तरह ये दोहराना जरूरी है कि जो भी करना है वो आपको इस चर्चा को एक इनपुट में लेकर के, फिर उसके आगे अपना रिसर्च करके, अपनी पढ़ाई लिखाई करके, सोच समझ करके फिर एक फैसला करना है, और साथ में जरूरी हो तो फिर आपको कहीं ना कहीं एक पेशेवर सलाह भी लेनी चाहिए।